पश्चात अपनी आंखें बंद कर लें और तीन चीजें हैं, पी, प्लेस, पोजीशन और पास्चर, स्थान, शरीर की आकृति, ध्यान करने के लिए और आसन। तो प्लेस, तो मन के द्वारा हमने शरीर के चारों तरफ आकाश यानी स्पेस को देखा। शरीर के तुरंत बाहर, तो हम जब मन को शरीर के तुरंत बाहर आकाश में लाते हैं, तो क्या होता है कि हम संसार की दूसरी चीजें हैं उनसे थोड़ा सा मन को हम अलग हटा लेते हैं। यही कारण है कि आंखें बंद क्यों करते हैं। देखो, आंखें अपने को जानने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं और दूसरे को जानने के लिए पांचों इंद्रियां काम करती हैं। ऐसा क्यों है? सिंपल सूत्र उत्तर है कि इंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन और मन के द्वारा हम अपने को नहीं जान सकते, इसलिए हम अलविदा कह देते हैं। आंखें बंद का मतलब दूसरी कोई आवाज सुनाई दे रही है बाहर, संवेदनाएं नहीं, सेंसेशन है टच की, खाली मेरी बात सुननी है, टीचर की बात सुननी है, बाकी दूसरे विचार, दूसरे उन सब से हमें अलग हो जाना है। तो इसीलिए हमने शरीर के चारों तरफ जो स्पेस है, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो नहीं है हम उसको देख रहे हैं, जो है हम उसका अनुभव कर रहे हैं। और उसके बाद पूरे शरीर की स्थिति को देख लें, तो शरीर की स्थिति कैसी भी हो, सुविधा पूर्वक हो, जिसमें शरीर के अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव ना हो, ये शरीर की स्थिति हो गई। और पॉस्चर कहते हैं शरीर में जो जिस प्रकार का आसन, ये आसन भी ठीक है, लेट कर करना भी शुरू शुरू में ठीक है, हम जिस तरह से सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। ये तो पहली स्थिति हमने, पहला चरण हमने पूरा कर लिया। दूसरा चरण है कि मन बार बार भागेगा शरीर पर, और शरीर पर भागेगा, जैसे ही शरीर पर भागेगा वैसे ही ये मन संसार की उन सब चीजों की स्मृति, मेमोरी अपने मन के अंदर ले आएगा, और मन के अंदर ले आएगा तो मन मालिक बन के बैठ गया। मन मालिक बन के बैठ गया, सबसे खतरनाक अगर चीज कोई जीवन में है तो मन सबसे खतरनाक मालिक है और मन सबसे अच्छा नौकर है। अगर उसको नौकर बना लिया जाए तो इससे बढ़िया नौकर हो ही नहीं सकता। तो दूसरे चरण में हम कंफर्टेबल, हम थोड़ा सा अपनी संवेदनाओं के अनुभव से शरीर को और शिथिल कर लेते हैं। कैसे? तो मन को ले आओ गर्दन के जोड़ पर, यानी मन के द्वारा हम गर्दन के जोड़ को देख रहे हैं, तो वहां पर, और फिर अंदर भी जा रहे हैं। तो अंदर जाने से क्या हुआ कि संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव हुआ। तो बहुत जबरदस्ती नहीं करनी है, कई बार मन के संस्कार बड़े गहरे होते हैं और वो संस्कार शरीर को हिला डुला देते हैं। कोई बात नहीं, ये साधना की यात्रा सजगता, ज्ञान और प्रेम से होती है, जबरदस्ती नहीं होती। ध्यान रखना, एक पैर पे खड़े हो जाओ पागलपन है, उससे कोई साधना में कोई लाभ नहीं होगा। अब कंधों के जोड़ों को देखें, मन को ले आए कंधों के जोड़ों पर,
कंधों के जोर से अंदर थोड़ा सा देखें और अनुभव करें सजगता, शिथिलता और संवेदनाएं, संवेदना, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव। अब हिप जॉइंट पे ले आओ, अपने कमर के जोड़ पर अपने मन को ले आए, वहीं पर बने रहें और अनुभव करें संवेदनाओं का वहां पर, शिथिलता का और स्थिरता का। तो दो ही तीन जोड़ों को अगर हम, हमारा बुद्धि सजग है, हम बहुत ज्यादा सजगता में है, तो दो तीन जोड़ों को देख लिया और ये चेक किया कि पूरे शरीर में संवेदनाएं हैं, अनुभव हो रही हैं। ऐसा क्यों हम करते हैं? बार बार एक एक बात को अच्छी तरह से समझना। हमारी जो सनातन परंपरा है, जिसको आप वैदिक परंपरा कहो, उपनिषद की बातें कहो, योग शास्त्र की बातें कहो, उसमें ज्ञान सर्वोपरि है, समझ। ना समझी से किया हुआ ध्यान 50 साल में भी सफल नहीं होगा। तो अब क्या हम पूरे शरीर को देख गए, जोड़ों को देखा, संवेदनाओं का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया और स्थिरता का अनुभव किया? हम बेचैन क्यों हो जाते हैं, हम लड़ने क्यों लग जाते हैं, ना समझी। रिएक्शन क्यों है, ना समझी। समझ, इसी समझ को बोध कहते हैं, उसी बोध से बना हुआ है बुद्ध। और अब हम प्रयोग करेंगे तीसरे चरण में, केयर फ्री, यानी मन की स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता का अनुभव। तो भाई, मन की स्वतंत्रता, क्या मन स्वतंत्र नहीं है? मन मालिक बन के बैठा है। और मैंने बताया अभी, सबसे खतरनाक जीवन में अगर कोई चीज है, मन खतरनाक मालिक बन के बैठा है। तो बहुत ज्यादा उसको जोर नहीं देना, सिर के अंदर देख जाए, सिर के अंदर, माथे के अंदर हम देखें तो हमें लगता है कि अंधेरापन सा है और स्पेस भी है, आकाश भी है और ब्लैंकनेस, चाहे कोई भी देखो, ब्लैंकनेस देखा वो भी ठीक है, एम्प्टीनेस देखा, खालीपन जिसको हम कहते हैं, स्पेस देखा वो भी ठीक है और डार्कनेस देखा वो भी ठीक है। जो भी देखा उसी के साथ हम उसको देखते रहे। इसके ऊपर विचार, संवेदनाएं आती हैं और जाती हैं। तो हमें क्या करना है भाई? हाईवे है ना, हाईवे के ऊपर ट्रैफिक आता है और जाता है, तो उसी प्रकार ये विचार हमें छूते नहीं है। जैसे भाई पक्षी आकाश में उड़ते हैं पर आकाश को छूते नहीं है। जो आकाश है, स्काई रिमेन्स अनटच्ड बाय द बर्ड्स फ्लाइंग, ये जानना है, दिस इज टू नो। तो यहां भी करने का अभ्यास नहीं है, बस जानने का। अरे ब्लैंकनेस तो अभी भी, एम्प्टीनेस तो ऐसे अभी भी बनी हुई है, विचार आया गया, फिर दूसरा विचार आया गया, तीसरा विचार आया गया। इसी को मैं कहता हूं कि मन को हम थोड़ा सा झटका दे रहे हैं। क्या झटका दे रहे हैं कि भाई तू जो मालिक बन के बैठा हुआ है, ये नहीं चलेगा। मालिक बन के क्यों बैठा हुआ? वो ये देखता है कि आकाश प्रकाश खालीपन कुछ नहीं है, जब मैं छूंगा कोई सी विचार से तो वैसे ही तुम हो जाओगे।
अगर थॉट ऑफ एंजाइटी है तो बस तुम एंशियस हो गए, बस ये प्रॉब्लम है। तो अब हमने ये तीसरा चरण भी पूरा कर लिया। चौथे चरण में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम श्वास को देखें, श्वास को देखें, जो सांस आ रही है जा रही है, समझ के करना है, इसीलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। यू हैव टू डू इट विद अवेयरनेस एंड अटेंशन, नॉट बाय फोर्स और प्रेशर, नो प्रेशर इज देयर। अब थोड़ा सा इस सांस को क्या करें कि थोड़ा सा सांस गहरा लें और छाती को फुला दें, सांस बाहर निकालें और छाती को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, यानी स्क्वीज कर दें, संकोचन। सांस पूरा, सांस थोड़ा सा लंबा भरा हमने, लंबा भर के छाती की पसलियों को फुला दें, पूरा फैल गया, सांस बाहर निकालें, छाती की पसलियां संकुचित होगी, फैलाव और संकोचन करते चले जाएं, फैलाव और संकोचन करते चले जाएं। ध्यान रखना है कि सांस हमने भरा लंबा और छाती की पसलियों का संकोचन फैलाव, और सांस बाहर निकाला तो छाती की पसलियों का संकुचित हो गई, यानी कि पसलियां बहुत नज़दीक आ गई। ये समझ होनी चाहिए, इस समझ के साथ हम कर रहे हैं। झटका नहीं देना, फिर ध्यान देना, थोड़ा सा भी झटका है तो इसका मतलब फिर हमारा मन मालिक बन बैठा। पूरा सांस, पूरा एकदम झटके से नहीं बाहर निकालना, निकालना भी बड़े प्रेम से है, लंबा सांस ही बाहर निकल रहा है। तो ये झटका अगर हम दे देंगे तो फिर मालिक झटके से मन फिर मालिक बन बैठेगा और सारी प्रक्रिया हमारी खत्म हो जाएगी। आज इतना ही करते हैं और फिर श्वास इस प्रक्रिया को छोड़ दें और श्वास को साधारण स्वाभाविक गति में जाने दें। Allow the breath to move to the normal pattern of breathing. सब श्वास को हम देख रहे हैं, सिर के अंदर भी कुछ अनुभव होंगे, चाहे वो फ्रेशनेस के रूप में हो और संवेदनाओं के रूप में हो, तो दोनों बातें ठीक है। अब सांस को, अब हम धीरे धीरे, हमने छाती में भरा, अब श्वास को पेट में भरें पूरा,
और सांस बाहर निकालते हुए आंखें बंद ही रहेंगी और सांस बाहर निकालते हुए भ्रामरी का उच्चारण करेंगे। फिर झटका ने बड़े प्रेम से श्वास को पेट में भरते चले गए, पेट में और छाती दोनों में भर सकते हैं। और सांस बाहर निकालते हुए भ्रामरी करते चले जाएं। सांस जितना धीमा गहरा लंबा भरेंगे, जितनी देर तक भरेंगे, जितनी देर तक भ्रामरी करते हुए निकालेंगे, उतना ही मन हमारा अंदर जाएगा और मन को हम नौकर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो समझ, नौकर कैसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे? जैसे जैसे हम मन को कह रहे हैं वैसे वैसे मन कर रहा, मन इधर उधर भाग नहीं रहा। करते चले जाएं। देखो अभी कितनी देर तक मैं सांस ले रहा हूं, कितनी देर तक? जितना लंबा धीमा गहरा सांस हम पेट और छाती में लेते हैं, उतना ही गहरा लंबा श्वास हम बाहर निकालते हुए उच्चारण में लेते हैं। तो उसका असर मन को नौकर बनाने में लगेगा। और अब शांत हो जाएं, कुछ न करें, कुछ न करें, इसी प्रकार बने रहें कुछ देर तक, जिससे कि हम शांति मंत्र के द्वारा मन की दिशा को बदल सकें। अपने मन के अंदर ही कहना है सर्वे भवन्तु सुखिन, 3 बार सर्वे भवन्तु सुखिन, और जोर से भी कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिन,
तो देखो आमतौर पर प्रयोग करवाते हैं जिसमें हम कहते हैं शांति मंत्र का उच्चारण करें, तो जो सिंगर होगा बड़ा अच्छा उच्चारण तो कर लेगा, गा भी लेगा, पर जब तक उसका अर्थ नहीं पता होगा, उसके पीछे ज्ञान जो छिपा हुआ है उसको हम मन के अंदर नहीं लाएंगे तो मन की दिशा नहीं बदलेगी। तो उच्चारण पहला, चैंटिंग पहला, उसका अर्थ जानना दूसरा, और उसके पीछे क्या ज्ञान छिपा हुआ है उसको हम अपने मन के अंदर बुद्धि के द्वारा लाएंगे। तो इस सर्वे भवन्तु सुखिना का मतलब होता लेट एवरी वन बी हैप्पी, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। और अब विचार करेंगे बुद्धि के द्वारा, भाई मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सबको ब्लेसिंग दे रहा हूं कि सभी सुखी हूं? नहीं, मैं खाली ये जान रहा हूं कि ये जो सुख है वो सबका स्वभाव है। क्या मतलब? एक चींटी, हाथी, बाघ, शेर, मनुष्य, सबका सुख का स्वभाव है। हम ये कैसे कह सकते हैं सभी सुख चाहते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा बता दो जो ये कहता हो कि मैं दुख चाहता हूं, मैं समस्या चाहता हूं, मैं परेशानी चाहता हूं, तो क्या इसका इससे सिद्ध हो गया कि हम सुख हमारे अंदर है ना छिपा हुआ, इसीलिए तो वो मन बार बार जो है वो सुख चाहता है। पर शर्त ये है कि वो सुख जब तक बाहर चाहेगा तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। बाहर की किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति में सुख नहीं है। नहीं, मैं दाल रोटी चावल खाता हूं तो मुझे बड़ा सुख लगता है दाल रोटी चावल में। अच्छा, तो इसका मतलब दाल रोटी चावल में सुख छिपा हुआ है? नहीं, हमारे मन के अंदर छिपा हुआ, मन के पीछे छिपा हुआ। ये भाव जब मन के अंदर 24 घंटे बना रहेगा तो एंजाइटी, स्ट्रेस और इन सब से छुट्टी। दूसरी लाइन है मंत्र की, सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु निरामय। 3 बार कहा, अर्थ सभी व्यक्ति स्वस्थ हों, सभी व्यक्ति। अब देखो एक छोटी सी बात है, अगर हम यही चूक जाते हैं तो स्वस्थ का क्या अर्थ है? स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाना। अब इसका क्या अर्थ हो गया, स्वयं में स्थित हो जाना? तो देखो भाई, हमारे अंदर, सबके अंदर, एक भाग है बदलने वाला। और दूसरा भाग है जो बदलता ही नहीं, जो नित्य है। नित्य का मतलब इटर्नल, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है। ओ, तो हमने क्या भी कहा कि सभी स्वस्थ हों, जब हम स्व में स्थित हो जाएंगे तो वो सर्वज्ञ का हमें अनुभव हो जाएगा। फिर हमें पता लगेगा कि हम तो हैं ही शांति, हमारा स्वभाव ही शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद। तीसरी लाइन देखो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इसिव सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी पर ईश्वर की कृपा हो, यहाँ पे हम इस तरह से अर्थ ले लो और इसको गहराई में हम जाएंगे। तो सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बरसे, पर बरस क्यों नहीं रही है? मन मालिक होके बैठा हुआ है, इसीलिए हमें कृपा दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब मन की दिशा को हम बदलते जाएं, शुद्ध कर दें, तो उस वो लक्षण प्रकट हो जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि ईश्वर की कृपा तो प्रति क्षण हमारे ऊपर। और चौथी लाइन, मां कश्चित दुख भाग भवे, मां कश्चित दुख भाग भवे। इसको कैसे हम गाएंगे? मां कश्चित दुख भाग भवे, कभी किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। ईश्वर ने तो हमें यही सिखाया है, पर हमें खोज करनी नहीं आती, तो इसीलिए हमारी ये हालत है। तो जब हम खोज लेंगे अपने अस्तित्व को, सच्चे अस्तित्व को जान जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये तो दुख, समस्याएं और अज्ञानता है ही नहीं, ये जीवन की साधना की यात्रा है। अब एक प्रयोग और छोटा सा करना है। श्वास को देखें, जब श्वास अंदर जाए तो मन के अंदर गिनती, मन को कहने सांस अंदर, अंदर एक, बाहर आए, बाहर एक, अंदर दो, बाहर दो, अंदर तीन, बाहर तीन, काउंटिंग कर जाएं एक से 25 तक, और उसके बाद कुछ न करें। उसके बाद यदि मन, अगर मन अंदर की ओर अंदर डूब जाता है, तो जब इसी प्रकार बैठे रहें, जबकि आप इसको ऑडियो फाइल से अभ्यास करेंगे, तो इसी प्रकार से इसमें बैठे रहें। क्या होगा? एक दिन ऐसा लगेगा, मन कहेगा ऐसे ही बैठे रहो मस्ती में। आधे घंटे की जगह एक घंटे का अभ्यास हो गया। तो ये अभ्यास अपने आप स्वाभाविक रूप से अगर बढ़ जाता है, तो हम साधना की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 1 से 25 किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। सांस पर नियंत्रण नहीं है, सांस जैसे जा रही है वैसे ही जाने देना है। और
तो जब आप अपने आप करेंगे तो 25 तक गिनती गिनने के बाद ये चेक करें कि मन चाहता है और देर तक बैठे बैठे रहें, क्या होगा? साधना में बहुत ज्यादा प्रगति होगी। शांति 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 शांति। मन को आहिस्ता से दाएं हाथ पर लाएं, संवेदनाओं का अनुभव। बाएं हाथ पर लाएं, संवेदनाओं का अनुभव। दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आँखों पर ले आएं, जैसे दोनों हथेलियों से आपने आँखों को ढक लिया और अंदर ही आँखें खोल लें, फिर अनुभव करें और हथेलियों को नीचे ले आएं। पिछली बार हमने बुद्ध के विषय में जाना, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि बुद्ध ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष बुलाए गए, राजा ने ये कहा कि तो ज्योतिष ने ये कहा, क्या कहा? ज्योतिष ने कहा कि भाई या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा और नहीं तो ये बहुत बड़ा गुरु बनेगा, साधु बनेगा। चलो ये भी ठीक है, हमारे यहाँ भी लोग करते हैं, अच्छा माता पिता चलो बुला के पूछ लो, अच्छा ठीक ठाक है सब, उसके बाद माता पिता ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर ये लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है बहुत दिन तक दुखी रहेगा या तब जाके कुछ उपाय कर ले। पर बुद्ध के पिता ने जब ज्योतिष चला गया तो उसने ये कहा कि भाई सारे नौकर चाकर को बुलाया, मैं यहाँ पे जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बुद्ध के लिए लास वेगास जगह है, सुना ही होगा, लास वेगास और फ्लोरिडा एक है जिसको कहते हैं सिन सिटी, सारे जितने उल्टे सीधे काम होते हैं वो वहीं होते हैं, प्लेजर सीकिंग के लिए, ड्रग है, सेक्स है, दुनिया भर की चीज है। तो मैं उन दोनों का उदाहरण देके कहता हूँ कि भाई बुद्ध के पिता ने, सिद्धार्थ के पिता ने लास वेगास और सिन सिटी अपने राज्य में ही बना दिया। किस लिए? वहां पे बुद्ध को, सिद्धार्थ को डाल दिया। किस लिए डाला? कि इसका मन कभी साधुता में न जाए, ध्यान में न जाए। सारे पूरी जो एज ग्रुप था जो कि नौकर चाकर उसके थे वो 30 से ऊपर नहीं थे, और उनको वार्निंग दी गई थी कि भाई एक भी बार बूढ़ा किसी भी दुख की बात नहीं करनी है, सारी सुख सुविधाएं उसको देनी। 16 साल तक वो उसी भाव में रहा, उसको पता ही नहीं था कि मरना क्या होता, उसको पता ही नहीं था बूढ़ापन क्या होता। कंपैरिजन हम कर रहे हैं, 16 साल तक उसको नहीं पता था, और हमारे साथ हमें पता है। कोई हमारे घर में किसी की डेथ हो गई तो हम बचपन में पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, माता पिता टाल देते हैं, आंसर ही नहीं देते, नो आंसर, अरे नहीं वो ठीक है, वो चला गया चंदा मामा के पास चला गया। तो ये भी समानता, उसको टरका दिया, उसको अनुभव ही नहीं होने दिया और हमें समझने नहीं दिया माता पिता। एक और अंतर है,
भाई बुद्ध ने 6 साल वो हो गए और कुछ दिन, 1-2 महीने, 6-7 साल में वो मुक्त हो गए। हम क्यों नहीं हुए? हम उसी तरफ विचार कर रहे हैं। अब दूसरा जो कंपैरिजन है वो ये है कि उसके माता पिता ने जबरदस्ती सारी सुख सुविधाएं, सेक्सुअल प्लेजर दुनिया भर की उसके ऊपर थोप दी। प्लेजर वॉज फोर्स्ड, और हम फोर्स्ड अपॉन सिद्धार्थ, और हमारा हम उसके पीछे भागते हैं, एंड वी चेज देम। कितना बड़ा अंतर! हम चेज क्यों कर रहे हैं? देखो, अब दोनों में एक एक उत्तर साफ है कि भाई अच्छा, ये मैं अगर ये खाना खाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, तो जैसे ना, अच्छा ये खीर बड़ी अच्छी है, सिद्धार्थ ने कहा, तो उसको खीर ही मिल गई। हमें क्या करना पड़ता है कि हमने देखा कि हाँ, खीर जो है वो अच्छी चीज है और इसमें से मुझे आनंद मिलता है, तो हमें खीर पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बस ये अंतर, बाकी चीज नहीं। कंपैरिजन इसका मतलब क्या है कि पहली स्टेज में हमारी जो लाइफ है अनकॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस हो गई, हैबिचुअल हो गई, इम्पल्सिव हो गई लाइफ, और इम्पल्सिव लाइफ में माइंड जो है, मन हमारा मालिक बनकर बैठ जाता है। अब दूसरी स्टेज देखो हमारे बुद्ध की, और खुद हम अपनी 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 को देखेंगे, सेकेंड फेज, सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। अब 16 साल के बाद, 15-16 साल के बाद उसने कहा कि मुझे नगर में घूमना है, घोड़ा गाड़ी पे घूम रहे हैं। पहली बार उसने देखा, क्या देखा? बूढ़े को कमर लटकी हुई है, एक हाथ में लाठी लेके जा रहा, उसको पता ही नहीं लगा ये कौन है भाई, ये कौन सा जंतु आ गया। हम तो अभी तक के जीवन में हजारों लोगों को देख चुके हैं, फिर भी हमारा मन नहीं बदलता। सिद्धार्थ ने कहा ये कौन है? तो सारथी ने कहा कि भाई मैं कहना तो नहीं चाहता, पर ऐसा तो सबके साथ होगा। बुद्ध ने कहा मेरे साथ भी होगा। हाँ होगा, आप भी बूढ़े हो जाओगे, नियति है, यूनिवर्सल लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अब उसके मन के अंदर वो विचार चल रहे हैं, एकदम उसकी एकाग्रता आ गई। क्या हमारी एकाग्रता इतनी है कि हम देख रहे हैं कि मैं अपने को इस स्वस्थ शरीर में ये देखूं कि अगले 20 साल में मैं भी लाठी लेके चल रहा। जब हम किसका जब हम सत्य का सामना करते हैं, हमारा मन बदलने लगता है। तो सत्य का हम सामना करते हैं, और जब ये बूढ़ा था मर गया, '89 में पिताजी की डेथ हो गई, मैं भी रोने लग गया। दौड़ के गया मैं गुरुजी के पास, गुरुजी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मन ने कहा कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे, ये क्या हो गया? तू तो रोना चुप हो गया। कहते हैं अब चुप हो गए ना, मुझे ये बताओ कि आज तक किसके माँ बाप अभी तक जिंदा हैं? तब तो रोने का बनता है, नहीं तो रोने का नहीं बनता। फिर तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं। तो क्या इसको स्वीकार करने की हिम्मत है कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज नहीं है? जन्म और मृत्यु। तो फिर उन्होंने बड़ा, उस समय तो 25-26 साल की उम्र, कहते हैं तू भी मरेगा एक दिन बूढ़ा होके।
पहले उसको देख, दूसरे को बाद में देखना। तुमने सेवा की की, तुमने आदर किया किया, बस इतना कर सकते। अब ये बात बुद्ध के अंदर बुद्धि से उसने मनन किया और ये बात उसके अंदर बैठ गई, उसी प्रकार बैठ गई। दूसरा दूसरी घटना, जब उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा तो क्या ये मैं भी बीमार पड़ूंगा? तब तक तो बुद्ध को पता था मैं ही शरीर हूं। सारथी ने कहा बिल्कुल महाराज राजकुमार, ये तो नियति है। फिर उसने शव को देखा तो ये ऊपर कौन जा रहा है? इसके ऊपर चार लोग क्यों किसको ले जा रहे हैं? नहीं, ले क्या जा रहा है, ये तुम्हारा हुआ मनन की प्रक्रिया। और चौथा उसने साधु को देखा कि एक साधु ध्यान में सड़क के किनारे बैठा हुआ। हमारे मन के अंदर क्या आता है? अरे साधु धोखेबाज होगा, हमारा भी तो मन का भाव ही नहीं बदला। हमें क्या लेना देना? हम सीखना चाहते हैं तो जाके पूछ लें, सिखाओगे? हाँ सिखाएंगे। उसके बाद सिखाने के बाद कोई प्रगति नहीं हो रही है तो दूसरे के पास जाएं। इन चारों घटनाओं का प्रभाव, सिद्धार्थ महाशय घर आए, मनन करना शुरू कर दिया। मनन, इतना गहरा मनन किया थर्ड स्टेज में और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि वो महाशय मनन कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे ये अंग काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज जिन चीजों से मैं आनंद का भोग कर रहा हूं, बाहर की वस्तुओं से, वो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो क्या मतलब खाना छोड़ दूं? नहीं, ये चीज खाने में, खाना जो तुम्हें पसंद है और वो स्वस्थ करने लायक है, खाओ। ये साधना की अब ये प्रक्रिया है, मैं दोनों को साथ में कंपैरिजन करता हूं। वो खाओ। अच्छा, एक दिन अगर जो तुम्हें पसंद है वो नहीं मिल रहा तो दूसरा जो भी खाना है वो खा लो। तो मन को हम ठीक करना, ये बात सिद्धार्थ जो है वो मनन करने लगा। अच्छा, मैंने ये भोजन किया था, मुझे बार बार है, पर मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा दांत सारे गिर जाएंगे, या दांत अगर ठीक भी हो गए तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा। होंठ चले तो सही, शक्ति तो रहे। उसी प्रकार शायद प्रयोग किया होगा सिद्धार्थ ने कि वो मरने का नौटंकी की होगी, उसने लेट गया होगा और उसने अनुभव किया होगा कि ये शरीर खत्म हो गया, ये तो शरीर के अंदर जान ही नहीं। तो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि हमें मनन करना चाहिए, ये नहीं कि अरे शरीर में बड़ा दर्द है। तो दर्द है कि भाई ये दर्द कौन अनुभव कर रहा है? मन। या शरीर दर्द का अनुभव नहीं करता? नहीं, सारे अनुभव मन के अंदर होते हैं। अच्छा, मन के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब मन जब जागा हुआ है तभी वो सुख और दुख का अनुभव करेगा? हाँ, गहरी नींद में अनुभव ही नहीं। गहरी नींद को छोड़ो, कहाँ दर्द हो रहा है? दाएं हाथ में दर्द हो रहा है, एनेस्थीसिया वाला आएगा, कहेगा ठीक है एक मिनट चाहिए, और लगाया इंजेक्शन, पूरा हाथ सुन्न हो गया, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। तो एक बेहोशी में भी दर्द नहीं होता, बेहोशी में भी सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। नींद जैसे, नींद बेहोशी है। जागृत अवस्था में क्या मन को मैं 24 घंटे दाएं हाथ से अलग रख सकता हूं? नहीं। तो मुझे कोई उपाय खोजना, क्या है उपाय? ये हमारी आध्यात्मिक साधना बताती है।
पर ये मनन किया बुद्ध ने बहुत ज्यादा। अब मनन करने के बाद उसका ध्यान आया उस साधु के ऊपर कि वो क्या कर रहा था। तो सारथी ने बताया कि ये जीवन की यात्रा में निकल पड़ा है और दुख और सुख के ऊपर जाना चाहता है, इसीलिए इसने ये प्रयोग किया। और सारथी ने यह भी कहा कि बिल्कुल इसका कोई घर बार नहीं है, इसका कोई घर बार नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये बात कही थी। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे भी ये घर बार छोड़ के साधना करनी होगी। तो सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि उसको किंगडम छोड़ के जाना होगा। हमारे लिए क्या, अब ये कंपैरिजन से हम गहराई से समझ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं, गुरुदेव बताते भी थे और कई साधुओं से संघों से मैं मिला, तो वे कहते थे कि आज की परिस्थिति में घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के जाने का मतलब ये है कि अपने घर में एक या दो घंटे जितना समय है अपने घर में बैठो, अपने घर में बैठो और दो दो घंटे या एक घंटे जितना समय निकालते हैं ओनली फॉर साधना, वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में कुछ नहीं सोचना, रिलेशन, समय, व्यक्ति, किसी के बारे में कुछ नहीं, बस मैं बैठ गया तो बैठ गया। अभी 12x12 का है ये कमरा, बिल्कुल अलग है, 4-5 बेडरूम उधर दूसरी जगह है, दूर है, करीब करीब होगा 20 फीट की दूरी पे, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं, आज तक आदत बनी, संसार नहीं, दरवाजा बंद, कोई डिस्टर्ब नहीं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे। इसका मतलब ये है कि हमने जो सिद्ध ने किया, घर छोड़ा, तो हमने भी घर बार सब कुछ छोड़ दिया, मन से छोड़ा, ये प्रक्रिया है। वी हैव टू लीव द वर्ल्ड थ्रू माइंड। वाई? माइंड इज द मास्टर, मास्टर विद द वर्ल्ड, माइंड इज द सर्वेंट विदाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एक बात और करते हैं, अब चौथी स्टेज देखो, थर्ड, संकल्प बड़ा होना चाहिए। सिमिलरिटी क्या है दोनों चीजों में कि हम घर में बैठें और वो घर छोड़ के चले जाने में? संकल्प, संकल्प का मतलब डिटर्मिनेशन, विल पावर है, कुछ भी हो जाए मुझे बैठना है, साधना करनी है। घर में बैठ के घर को हमने जंगल बना लिया, चलेगा? उसे शादीशुदा भी थे, बच्चे भी थे, तो संकल्प किया उन्होंने कि नहीं भाई, ये तो मुझे छोड़ के जाना होगा, तभी जाके मुझे मिलेगा। तो ये चौथी स्टेज आ गई, चौथी स्टेज टू लीव और to decide the course of life, क्या मतलब कि goal of life है, मुझे उसको उसके लिए ही जाना है। कमाते रहेंगे, तुम 2 घंटे बैठो, उसके बाद बैठो ना, उसके बाद करो, कमाओ, खाओ, पियो। पर सिद्धार्थ ने रास्ता थोड़ा सा और कठिन चुना, छोड़ ही दिया,
रात में 12 बजे पत्नी को देखा, बच्चे को देखा, पिताजी माताजी को सबको नमस्कार किया और चुपचाप घर से बाहर क्यों निकल गया, ये सोचना वाई। वो इसीलिए छोड़ा, उसने उसको पता था कि 16 साल तक तो मेरे को कैद में रखा है, गोल्डन केज में रखा है। तो अगर अब मैं कहूंगा कि मैं ध्यान करना चाहता हूं तो और भी बड़ा गोल्डन केज बना देंगे। बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग हमें करना है। तो उसने ये सोचा कि मैं अगर कहूंगा कि पिताजी जरा मैं ध्यान व्यान करना चाहता हूं, वो और भी गहरा गोल्डन केज बना देंगे, इसीलिए छोड़ा। Our mental weakness do not allow to sit in meditation or treat this path. देख लो ये comparison, क्या वो संकल्प है हमारे जीवन, कुछ भी हो जाए, 1 घंटा सुबह बैठ जाओ, 1 घंटा शाम, 2 घंटे चाहिए 24 घंटे। पर सिद्धार्थ का जो रास्ता था वो तो 24 घंटे छोड़ ही दिया, तो उसके बाद करना ही वही है। इतना बड़ा संकल्प था, इसीलिए वो बुद्ध हो, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। और हम तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बस रोना धोना शुरू हो गया, दुखी होना शुरू हो गया। ये कंपैरिजन, वो विल नहीं है हमारे अंदर और उसके अंदर विल था। अच्छा, ये विल कमजोर भी तो हो सकती है। आज विल मैंने बनाई, आज मैं बैठ गया, कल टूट गया। तो विल का होना तो भावनात्मक है, मन मालिक है, मास्टर बना हुआ है, तो वो कहेगा हाँ हाँ विल है मेरे पास, चलो बिठा दो, 1 घंटे बैठ जाऊंगा, और कल छोड़ दिया, कल ढीला हो गया, परसों ढीला हो गया, खत्म, कहानी खत्म। साधना खत्म हो गई। पर सिद्धार्थ को मिला ये एक भाठ योगी, तंत्र योगी, बहुत बड़ा वो भी योगी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यहां भी हम कंपैरिजन मिलेंगे। तो हमें अपने विल की परीक्षा लेनी पड़ेगी डेली। अगर विल की परीक्षा डेली नहीं ली तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। आज मैं बैठा, क्यों नहीं बैठा भाई, मन कहाँ गया था तू, क्यों नहीं बैठा, पनिशमेंट दूंगा, 1 घंटे काम ने सुबह रखा था, अब 2 घंटे बैठूंगा, 2 बार करूंगा साधना। अब इस बात को हम सिद्ध की कहानी से कैसे समझें? तो गया मास्टर के पास, उसने कहानी जानी, तो मास्टर भी तो फिर वो इंट्यूटिवली भी जान जाते हैं, देख लेते हैं। तो हंस के बोले कि भाई मेरे पास अगर साधना करनी है, देखो उसके विल की परीक्षा हो रही, आज से तुम्हें जमीन पे सोना पड़ेगा। 16 साल तक तो कहाँ मखमल के उस पे सो रहा था, जो खाना चाहता था वो मिल रहा था, स्त्रियां सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं थी, शरीर को आज एसी में है और अभी बाहर निकलेंगे, 55 का टेम्परेचर है, एकदम कहेगा, मन कहेगा, मन परेशान हो जाएगा। तो इसका मतलब सिद्धार्थ ने पहले तैयारी कर ली थी, संकल्प इतना गहरा था, संकल्प को टूटने नहीं दिया, हाँ महाराज 1 टाइम खाना मिलेगा, ठीक है महाराज,
3 घंटे अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, सब में उसने हाँ कही। गुरु ने कहा कि तू मेरा चेला, चल शुरू कर। तो जब ये जैसे सिद्ध की जर्नी हुई, सिद्ध की जर्नी एक तो बाहर है और एक है उसकी अंदर। तो बाहर की जर्नी तो हम जानते हैं कि वहां छोड़ के बाहर गया, ठीक है जी। इंटरनल जर्नी का हमें पता नहीं है, तो ये जानना जरूरी है। क्यों? जिससे कि हम अपने जीवन में भी ये पहचान सकें कि क्या इतना संकल्प है। इफ वी हैव द मेंटल स्टेट लाइक बुद्धा और नॉट, जब नहीं है तो साधना सफल नहीं होगी। फिर हम इस 4 स्टेज के आगे चर्चा करेंगे। तो साधना, अब ये दूसरी साधना हो गई, इसको नियमित रूप से करना और देखना कि जब ऑडियो टेप प्रैक्टिस खत्म भी हो जाए तो बैठे रहना। तो एक तरफ तुम सुन रहे हो और एक तरफ तुम बैठे रहे हो, तो पता लगेगा कि क्या तुम आधे घंटे और बैठ पाए हो। अगर आधे घंटे और बैठ पाए, चल रात में भी करके देखेंगे। अच्छा, फिर आधे घंटे और बैठ गए, तो इसका मतलब मन की दिशा हमारी बदल गई। और इन 4 चरणों के बाद हम 5वें चरण पे अगले हफ्ते चलेंगे।